तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले वीडियो में हमने देखा कि विश वेजिटा पर अपनी एनर्जी बॉल मार देता है और वेजिटा उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और उस एनर्जी बॉल को संभाल लेता है। अब विश बाकी एंजल्स के पास जाकर उन्हें संभालता है और वेजिटा को माफी मांगने नहीं देता। इस बात से मोहितो गुस्सा होकर चला जाता है और अब एंजल्स के बीच झगड़ा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो। और आगे कुछ नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वेजिटा कहता है, तुम तो जानते ही हो कैकरोट कि मैं अपने लिए तुमसे कभी मदद मांगने नहीं आता हूँ, मगर मैं मल्टीवर्स को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इस वजह से मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। गोकू कहता है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो वेजिटा, हम अच्छे दोस्त हैं और मल्टीवर्स के लिए ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी भी हमेशा मदद करता रहूंगा। वेजिटा कहता है, शुक्रिया कैकरोट। गोकू कहता है, तो बताओ मुझे तुम किस प्रॉब्लम के बारे में कह रहे थे? तभी मास्टर रोशी बीच में बोलता है, तुम लोगों ने इम्पोर्टेंट बात कर ली क्या? गोकू कहता है, मास्टर रोशी आप अभी तक यहीं हो? मास्टर रोशी कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी थी एक खास जड़ी बूटी के बारे में। वेजिटा अब मास्टर रोशी को गुस्से में देख रहा होता है। गोकू कहता है, मास्टर रोशी अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या आप बाद में आ सकते हो? मास्टर रोशी अब वहां से चले जाता है। गोकू कहता है, कहो वेजिटा क्या बात है? वेजिटा कहता है, तुम तो जानते हो कि मल्टीवर्स में मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सभी अपने रूल्स के हिसाब से चले और इसके अंदर मैं भी आता हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ा खुल के बताओगे? वेजिटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो बात ये है कि। गोकू कहता है, हाँ हाँ क्या बात है? वेजिटा कहता है, बात ये है कि। तभी हमें दिखता है कि मास्टर रोशी वेजिटा की बात छुपकर सुन रहा होता है। मास्टर रोशी के मुंह से निकल जाता है, हाँ हाँ वेजिटा कहो तुम्हें क्या बताना है? गोकू कहता है, मास्टर रोशी आप अभी तक यही हो? अब वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे रोशी तुम अगर अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मैं यही इरेज कर दूंगा। तभी गोकू और मास्टर रोशी शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, मास्टर रोशी मैंने कहा ना कि हम कल मिलते हैं। मास्टर रोशी कहता है, ठीक है गोकू। अब रोशी वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, वो बुढ़ो यहाँ से पक्का गया ना? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा अब तुम मुझे बता सकते हो। वेजिटा कहता है, कैकरोट मल्टीवर्स में सभी एंजल्स अब एक दूसरे का साथ देने की बजाय अलग हो चुके हैं, वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, खासकर वो मोहितो, और आज तो हद ही हो गई थी। गोकू कहता है, ऐसा क्या हुआ वेजिटा? वेजिटा कहता है, विश ने खुद आकर बताया है कि ग्रैंड विश के जाने के बाद सभी एंजल्स अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। गोकू कहता है, ओह ऐसी बात है। वेजिटा कहता है, अब ऐसे तो मल्टीवर्स ठीक से चलेगा नहीं, है ना? गोकू कहता है, बात तो तुमने एकदम ठीक करी है, मगर इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ वेजिटा? वेजिटा कहता है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही इन्हें संभाल सकते हो, ऐसा करो कि तुम ही ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन ले लो। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मैं भला ये पोजीशन कैसे ले सकता हूँ? वेजिटा कहता है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो कैकरोट, इसमें तुम्हें बहुत नाम मिलेगा, तुम्हारा रोब और रुतबा होगा। गोकू कहता है, वेजिटा ये पॉसिबल नहीं है, मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ और एंजल्स के रूल्स में फाइट करना मना है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, मगर आप तो एंजल्स भी फाइट करते हैं। गोकू कहता है, हाँ मगर मैं इस ड्यूटी को नहीं कर पाऊंगा, इस पोजीशन में मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, तो कुछ तो करो, हम ऐसे नहीं चुप रह सकते, हमें एक्शन तो लेना ही होगा, और ग्रैंड ब्रिस्ट को तुमने ही खत्म किया है, तो तुम ही सोल्यूशन निकालो। गोकू कहता है, ठीक है मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ और कल आकर बताता हूँ, ओके? वेजिटा कहता है,
ठीक है कैकरोट, मैं इंतजार करूंगा। अब वेजिटा वहां से चले जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा ने तो प्रॉब्लम में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? मुझे इस बारे में जेनोसामा से बात करनी होगी। अब सीन नारुतो पर जाता है और वो कैंपरी से बात कर रहा होता है। कैंपरी कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। मोहितो कहता है, क्यों, मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है क्या मैं परेशान हूँ? कैंपरी कहता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम जब ज्यादा स्माइल करते हो इसका मतलब तुम काफी परेशान हो। मोहितो कहता है, परेशान तो मुझे उस विश ने किया है, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा है और हम पर अपने डिसीजन सुनाता है। कैंपरी कहता है, क्या विश ने ऐसा किया? मगर वो ऐसा तो नहीं था। अब सीन मार्गरेटा पर जाता है और वो मार्टिनो से बात कर रही होती है। मार्गरेटा कहती है, मार्टिनो, विश और वेडोस ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। गॉड्स के रूल्स के मुताबिक वेजिटा को उसे निकाल देना चाहिए था, मगर वो उल्टा ही हमें ही समझा रहा था कि हम गलत हैं। मार्टिनो कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा। आज अगर फादर यहाँ होते तो शायद ये सिचुएशन होती ही नहीं। अब सीन जैनो के पैलेस में जाता है। दोनों जैनो अपना गेम खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ गोकू आता है और कहता है, हाय जैनी, कैसे हो तुम दोनों? जैनो कहते हैं, हम ठीक हैं। गोकू तुम कैसे हो? गोकू कहता है, मैं तो ठीक हूँ मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम में हूँ। जैनो पूछता है, वो क्या प्रॉब्लम है गोकू, हमें बताओ। गोकू कहता है, जैनी अब तुम दोनों को मल्टीवर्स में क्या चल रहा है ये खबर देने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तुम दोनों को बता देता हूँ। जैनो कहता है, कहो गोकू क्या चल रहा है मल्टीवर्स में। गोकू कहता है, मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट के ना होने की वजह से सभी एंजल्स अपनी मन मर्जी चला रहे हैं और कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैनो कहता है, ओह ऐसी बात है। दूसरा जैनो कहता है, तो फिर हम उन्हें इरेज कर देते हैं। गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं जैनी ये करना ठीक नहीं होगा, ऐसे तो मल्टीवर्स और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। जैनो कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गोकू कहता है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। दूसरा जैनो कहता है, तुम क्यों नहीं बन जाते हो ग्रैंड प्रिस्ट? गोकू कहता है, अरे नहीं जैनी मैं इतने सारे बच्चे नहीं संभाल सकता हूँ। तभी गोकू की नजर दूसरे वाले जैनो पर जाती है और गोकू मन में सोचने लगता है, एक मिनट, फ्यूचर जैनो यहाँ पर है तो फ्यूचर ग्रैंड प्रिस्ट भी तो जिंदा होंगे ना, और अगर फ्यूचर जैनो यहाँ आ सकता है तो फ्यूचर का ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ क्यों नहीं आ सकता, मगर उसका भी मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जैनो कहता है, क्या सोच रहे हो गोकू? गोकू कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम फ्यूचर के ग्रैंड प्रिस्ट को यहाँ ले आए। तो जैनो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? दूसरा जैनो कहता है, तुम फ्यूचर से डाई को क्यों लाना चाहते हो? गोकू कहता है, मुझे यही रास्ता ठीक लगा और जरूरी नहीं है कि वो भी पहले जैसे की तरह गंदे हो। जैनो कहता है, तुम फिर से सोच लो गोकू। गोकू कहता है, जैनी अब ग्रैंड प्रिस्ट का काम तो उन्हें ही अच्छे से आता है और वो ही सभी एंजल्स को हैंडल कर सकेंगे, तो आप तो यहाँ हो जैनी तो वो ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ क्या करेंगे, इसलिए मैं यहाँ उन्हें बुला लेता हूँ। जैनो कहता है, ठीक है गोकू तुमको जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। तो हेलो गाइस, अब ग्रैंड प्रिस्ट फिर से आने वाले हैं, तो अब स्टोरी में और धमाके आने वाले हैं। आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।